फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ये पूछते हैं कि मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का क्या यूज है, यानी हम मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जहां कहते हैं जरूर कर रहे होगे या जरूर कर रहे हो। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि तुम जरूर मजाक कर रहे हो या तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि कोई किसी काम को जरूर कर रहा होगा, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी दिखलाई जाती है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में संभावनाएं होती हैं, यानी इम्कान होती है कि हो सकता हो कि ऐसा ना भी हो। जैसे तुम जरूर मजाक कर रहे हो या तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा कि कोई आदमी ये काम जरूर कर रहा होगा और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ऐसा न भी हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस से जहां कहते हैं कि कोई काम जरूर चल रहा होगा और हम पॉसिबिलिटी दिखलाएं, हम मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर लिखा हो तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी यू मस्ट बी जोकिंग या यू मस्ट बी किडिंग। मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म से ये पता चला कि कोई इंसान जरूर इस काम को कर रहा होगा। बातों से आपको ये भी पता चलेगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो या तुम जरूर झूठ बोल रहे होगे, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी यू मस्ट बी टेलिंग अ लाई, वह जरूर सो रही होगी, सी मस्ट बी स्लीपिंग, वह जरूर इंतजार कर रही होगी, सी मस्ट बी वेटिंग। तो फ्रेंड्स उस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि कोई आदमी कोई काम जरूर कर रहा होगा, आप मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह जरूर नाश्ता कर रही होगी, तो आप कहेंगे सी मस्ट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, आप जरूर मेरे बारे में सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, आप जरूर एक टॉफी खा रहे होंगे, यू मस्ट बी ईटिंग ए टॉफी, वह जरूर एक कार चलाता होगा, ही मस्ट बी ड्राइविंग अ कार, वे लोग जरूर पैसा कमाते होंगे, दे मस्ट बी अर्निंग मनी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सीखा कि जब आपको कहना हो जरूर कर रहे होगे या जरूर कर रहे हो, तो आप मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।